हेलो दोस्तों। तो आज मैंने बनाया है गर्मा गर्म लौकी के पकोड़े, और मैंने इसको तुरंत ही तोड़ के इसको बनाया है, ताज़ा ताज़ा लौकी के पकोड़े। और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी और क्रिस्पी लगता है, और ताज़े लौकी के तो बात ही कुछ और है, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 कटोरी बेसन ले लिया है। अब यहाँ पर 1 कटोरी में डाल दूँगी चावल का आटा, और मुझे ज़्यादा बनाना है, 1 लौकी का पूरा, तो इसीलिए मैंने बेसन का ज़्यादा यूज किया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा हम अजवाइन लेंगे, इसको रगड़ के हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे ब्लैक तिल, तो काला तिल मैंने 1 चम्मच यहाँ पे डाल दिया है। इससे देखने में हमें पकौड़ा थोड़ा सा अच्छा लगता है और टेस्टी भी लगता है। अब यहाँ पे मैंने दरदरा कुछ लिया है, मिर्च और अदरक और लहसुन, तो इसको मैंने दरदरा ही पीसा है। तो मैं अपने तीखे के अनुसार इसमें डाल दूंगी, आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें तीखे के अनुसार आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दूंगी, और इन सभी को अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसका घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अच्छे से इसको मिला लिया है, और बेटर मैं पहले इसलिए बना रही हूँ कि थोड़ा सा मैं इसको रख दूँगी, जब तक मैं लौकी तोड़ूँगी उसको काटूंगी, तब तक ये बेटर जो हमारा है चावल का आटा है और बेसन अच्छे से फूल जाएगा। तो फूलने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा ये फूला फूला टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम घोल तैयार कर लेंगे, और बिल्कुल मैं इसमें मीठे सोडे या यूनो का कुछ भी इस्तेमाल कर नहीं करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। तो अभी बहुत ही सूखा है, और ज़्यादा इसको हम गीला नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पानी मैंने डाल दिया है, और अच्छे से इन सभी को मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसका बैटर तैयार हो गया है। मैं आपको 1 चम्मच से दिखाती हूँ कि कितना मैंने इसको मोटा रखा है। तो ये देखिए, अब इसको हम साइड कर देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम चलेंगे अपना लौका तोड़ने। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको नीचे बोया है, लेकिन ये छत पे ऊपर चढ़ गया। ये सब चढ़ने वाला सब्जी होता है, चढ़ के फरता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसके लिए बिल्कुल भी नरम लौकी ले रही हूँ। अब ये मैं अभी पहला लौकी तोड़ रही हूँ, मैंने इसके बाद अभी नहीं बनाया है, मतलब हुआ ही नहीं है ये पहला लौकी तोड़ के इसका पहले मैं पकोड़ा बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये वाला लौकी लिया है, बहुत ही ज़्यादा ये बड़ा बड़ा होता है, तो मैंने इसको कैंची से काट लिया है। अब चलेंगे किचन में बनाने इसको। तो यहाँ पे देखिए, मैंने किचन में लेके आ गई हूँ। अब इसको मैं कट करके आपको दिखाती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट है। अभी ये और ये बढ़ता, लेकिन मुझे पकौड़ी बनाना था, तो इसीलिए मैं इसको नरम लौकी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको बनाने में, मतलब छिलने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये घर का है, खरीद के आता है तो उतना नहीं अच्छा लगता है, लेकिन जो मतलब घर का होता है ना, तो तोड़ने में या बनाने में बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लगता है। तो मैं इसको पहले छील लूँगी, तो सारे लोगों को छील के हम अच्छे से इसको धो लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने छील को अच्छे से इसको धो लिया है, अब इसको हम काट देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको गोल गोल काट रही हूँ, और इसको ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा मैंने पतला काटा है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से काट दिया, और सारे लौकों को मैं काट के तैयार कर लूँगी, और पूरे लौकों को मैं बनाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बिल्कुल ये मीठा मीठा पकौड़ा लगता है, मतलब ताज़े लौका का। तो यहाँ पे काट दिया, एक साइड मैंने रख दिया था पहले से ही तेल गर्म होने के लिए। अभी हम क्या करेंगे, जो मैंने बैटर बना के रखा था उसमें डुबोएंगे लौकी को, और इसमें डाल देंगे तेल में। तो जितना हमारा पेन में आ रहा है, तो मैं उतना ही इसमें डाल दूँगी, और बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है, मतलब जल्दी हो जाता है ये, बिल्कुल नरम है, सॉफ्ट है, तो और खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो सर्दियों के मौसम में चटपटा पकौड़ी, पकौड़ा हो गया, या चटपटा कोई भी नाश्ता, बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म अच्छा लगता है, चाय के साथ या चटनी के साथ, किसी के साथ आप खाइए सर्दियों के मौसम में। तो यहाँ पे देखिए, एक साइड से हो गया, तो मैंने पलट दिया है, और पलटते पलटते मैंने इसको फ्राई कर लिया है, और कितना अच्छा कलर आया है। तो इसको हम 1 प्लेट में निकाल लेंगे, और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम सारा निकाल लेंगे, और इसी तरह हम सारे पकोड़े को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे पकोड़े को फ्राई कर लिया है, और मैंने यहाँ पे टमाटर सॉस के साथ इसको सर्व किया है। आप चाहें तो धनिया की चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है और टेस्टी तो पूछिए मत। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और थोड़ी सी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।